नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट्र इंडिया में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। केड़कर हॉस्पिटल अमनास्पेट अकोला में स्थित है और वहाँ मैं एज अ सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है वेट ड्रीम्स या नॉक्चर्नल एमिशन या स्वप्न दोष, जिसको नाइटफॉल भी बोलते हैं हमारी भाषा में। हुआ क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का वापर बढ़ने लगा है, यूज बढ़ने लगा है, वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सामने आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग, एजुकेटेड लोग, कॉर्पोरेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हमारे आते हैं और हमको बताते हैं कि मैं ये बीमारी से, ये मैं रोग है मुझे और इससे मैं ग्रस्त हूँ, मुझे नाइटफॉल की शिकायत है। बेसिकली नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स, नॉक्चर्नल एमिशन या स्वप्न दोष क्या है? ज्यादा सिक्रीशन ऑफ सेमेन यानी वीर्य के ज्यादा सिक्रीशन होने के कारण जब पेनिस से वीर्य बाहर निकलता है इनवॉलंटरी, तब उसको बोलते हैं नाइटफॉल या स्वप्न दोष। बहुत बार सपने में, नींद में या किसी स्त्री का टच होने पर या किस करने पर नॉक्चर्नल एमिशन होता है। क्या यह नॉर्मल है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये करीब करीब 75% लोगों में ये पाया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति एडोलसेंट यानी नवयुवक के फेज से गुजर रहा है, तब ये जो नॉक्चुरल एमिशन है या नाइटफॉल है, ये ज्यादा लेवल में हमको दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे नाइटफॉल की समस्या कम कम होने लगती है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? नाइटफॉल जैसे मैंने बताया, करीब करीब 70 से 75% लोगों में, परसेंट लोगों में, पुरुषों में ये होता है। ऐसा कुछ है कि ये बीमारी है? नहीं, ये बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही सर्वसाधारण कॉमन फिनोमिनन है। जो हमारा वीर्य है वो अगर पेनिस से बाहर निकलना शुरू हो गया तो उसको नॉक्चुरल एमिशन बोलते हैं। नॉक्चुरल एमिशन के कॉजेस क्या है और उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम्स क्या है? नॉक्चुरल एमिशन के कॉजेस है लैक ऑफ सेक्सुअल इनएक्टिविटी। जो भी एडोलसेंट बच्चे रहते हैं जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू नहीं रहती है, उनमें नॉक्चुरल एमिशन या नाइटफॉल ज्यादातर पाया जाता है। सेकेंड है लैक ऑफ मास्टरबेशन, हस्तमैथुन न करना। हस्तमैथुन न करने की वजह से भी स्वप्न दोष या नाइटफॉल होते रहता है। थर्ड है ड्रीम्स, जब नींद में सपने बहुत ज्यादा आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के सपने आते हैं, तब भी नाइटफॉल हो सकता है। फोर्थ है ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेमेन, कोई कोई पुरुषों में ज्यादा लेवल में, ज्यादा प्रमाण में वीर्य पैदा होता है या तैयार होता है, उस कारण भी नाइटफॉल हो सकता है। पांचवा कारण है एंग्जाइटी। बहुत सारे जो पुरुष है, जो आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे पुरुष है जो ज्यादा एंग्शियस पर्सनैलिटी बन गए हैं। छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों का विचार करना और एंग्शियस पर्सनैलिटी ले रही, उसमें भी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। और लास्ट है वीक नर्व्स, अगर हमारी नर्व्स वीक है तो थोड़े से भी स्टिमुलेशन के कारण वीर्य बाहर निकल सकता है। स्वप्न दोष इसको बोलते हैं, पर एक्चुअली ये दोष नहीं है, ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल फिनोमिनन है। तो जो वर्ड हमने लाया है स्वप्न दोष, ये पूरी तरह गलत है। नाइटफॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नाइटफॉल होने के कारण मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरा जॉब में ध्यान नहीं है, मेरे को ओसीडी डेवलप हो गया है, मैं पागल हो रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और बहुत सारे बच्चे जो जो अपना काम कर रहे थे, जो एंगेज थे, उनकी एंगेजमेंट टूट गई, जो पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, इसलिए इतना इम्पैक्ट नाइटफॉल या स्वप्न दोष के कारण होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, स्वप्न दोष नॉर्मल है एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग लेना बहुत ही जरूरी है। हम एज अ सेक्सोलॉजिस्ट इसकी काउंसलिंग करते हैं, हम तरीके बताते हैं कि इसको कैसे प्रकार से चेंज करना है, कैसे स्वप्न दोष को अडॉप्ट करना है। इसमें काउंसलिंग की कौन सी तरीके है, फॉर एग्जाम्पल हिप्नोथेरेपी, सेकेंड है मेडिटेशन, थर्ड है माइंडफुलनेस, फोर्थ है बायोफीडबैक। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये जो प्रॉब्लम है, ऐसा लोगों को लगता है, उसको हम डील कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे आने वाले वीडियोज भी देखिए, मेरे वीडियोस लाइक करिए,
मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और मेरी मेरी वीडियोस को फॉलो करिए। मैं जल्दी आगे की वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद।